गैरों में कहां दम था, बीजेपी को तो अपनों ने लूटा। राजस्थान ही नहीं बिहार ने भी बीजेपी को दिया सदमा। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत नहीं ला सकने के बाद भाजपा को विरोधियों के ताने तो सुनने ही पड़ रहे हैं। इसके साथ ही उनके अपने भी उन्हें झटका देने में कहीं पीछे नहीं रहे। महाराष्ट्र यूपी के बाद ताजा झटका राजस्थान और बिहार से आया है। राजस्थान में जहां किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा सरकार से इस्तीफा दे दिया, वहीं बिहार के सहयोगी नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा है कि जेडीयू का साथ नहीं होता तो बिहार में भाजपा लोकसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाती। जी हां, राजस्थान में 6 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा ने 4 जुलाई को मंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी। वो राज्य की भाजपा सरकार में कृषि एवं आपदा राहत मंत्री थे। उनका कहना है कि वो किसी से नाराजगी के चलते इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बस अपना वादा निभा रहे हैं। याद दिला दें कि मीणा ने कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जिन सीटों की जिम्मेदारी मिली है वहां भाजपा नहीं जीत पाएगी तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं अब से 1 महीने पहले 4 जून को मतगणना के वक्त जब रुझानों में भी बीजेपी 11 लोकसभा सीटों पर हारती दिखी, तभी मीणा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक 1 महीने बाद इस्तीफे की खबर सार्वजनिक करने के बाद भी उन्होंने यही बात अपने एक्स अकाउंट पर लिखी है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐलान किया कि पीएम मोदी ने उन्हें 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, इन सीटों पर पार्टी हारी तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। अब किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को राजस्थान में बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार के नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने हाल ही में एक बयान देकर बीजेपी की किरकिरी कर डाली। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी होती तो 1 भी सीट नहीं जीत पाती, और चौबे जो कह रहे हैं वो उनका बड़बोलापन है। उनके इसी बड़बोलेपन की वजह से उन्हें भाजपा ने किनारे किया है। बता दें कि चौबे 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार में मंत्री थे, हालांकि इस बार उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।